नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, मैंने बहुत पहले इस क्लास को बना रखा था, मुझे नहीं मालूम था कि इस पे भी क्लासेस लेनी है। जब मैंने स्लाइड वाले फोल्डर में चेक किया तो मुझे याद आया कि अरे, मैंने एक क्लास नहीं लिया है। दैट इज रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम है ना, उसके अंदर में जो ब्याज दर है यानी इंटरेस्ट रेट है ना, उसमें इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा कितना परसेंट हुआ है, पहले कितना था, क्या है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड स्कीम, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि कई दफा बच्चे देखते हैं वीडियोस को पर लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, जहां पे मैं असक्षम हूं समझाने के लिए। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसको डिटेल कवर अप करें, उसमें कुछ भी ना छोड़ें, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकें। अब आप अपने स्तर पे भी बता के देखिए मुझे कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं पुनर्प्रयास करूंगा कि उसे मैं वापस से सॉल्व कर सकूं। आइए जानते हैं क्या है पूरी चर्चा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, बाकी आपकी मर्जी। जीएस पेपर टू से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सरकार की नीति और हस्तक्षेप। मिंट के अंदर न्यूज आई थी, 28 मार्च की न्यूज है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने क्लासेस 28 मार्च को बना ली थी बस, बट शायद कोई कार्यक्रम चल रहा था मेरे घर के बगल में, मुझे याद है, जिसके कारण से मैंने सोचा था कि अगले दिन कार्यक्रम बंद होगा तो मैं फिर क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, बट उस केस में मैंने भूल गया और दूसरा टॉपिक पढ़ाने लगा। न्यूज में क्या है, न्यूज में यह है कि ईपीएफओ कौन कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम, यूपीएससी, याद रखिएगा साथियों, अभी चर्चा में चल रहा है, जिन्होंने भरा है उसको ऑल द बेस्ट। ईपीएफओ ने क्या डिसीजन लिया है, डिसीजन लिया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है ना, भविष्य में मिलने वाला पैसा, उस पे ब्याज दर कितना बढ़ा दिया गया है, 8.15%। डिसीजन में क्या आया है, बातचीत के दौरान क्या बातें निकली है, बातें ये निकली है कि आरबीआई ने ये कहा कि भैया जी, ईपीएफओ के पास सरप्लस इनकम है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने ब्याज दरों को बढ़ाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक एम्प्लॉय को इसका फायदा मिल सके। 60 मिलियन से भी ज्यादा इसके क्या है साथियों, सब्सक्राइबर हैं, और उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। और ईपीएफओ वन ऑफ द हाईएस्ट स्मॉल सेविंग कैटेगरी के अंदर में आता है, ऐसी राशि जो आप बचाते हो भविष्य के लिए। तो कैसे करता है ये काम, आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय, मैं अगर इस टॉपिक को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको ब्लैंक माध्यम से, लेकिन अगर मैं कंटेंट से समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे मानिए ए आदमी है, ये अपने ए वाले नहीं है जो हम लोग ए हमेशा समझते हैं, ये ए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो व्यक्ति काम देता है। एक व्यक्ति ने कंपनी खोला, उस कंपनी में उस किसी आदमी को हायर करेगा काम करने के लिए, तो ए ने हायर किया किसको, बी को, ठीक। अब सरकार ये कहती है, क्या तुमने इसके पेंशन का इंतजाम किया है, क्या भविष्य में से कुछ हो जाता है, भविष्य में यह तुम्हारी कंपनी को छोड़ के जाता है या तुम इसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो इसके पालन पोषण कैसे करोगे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है क्या। फिर कॉन्सेप्ट आया एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम का, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था कि ए ने हायर किया है बी को, और एक ईपीएस अकाउंट यानी आप समझ लीजिए एक प्रोविडेंट अकाउंट खुलवा दिया, जिसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करेगा, पैसे भी देगा और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो भी पैसे देगा। ये कहानी तब से शुरू हुई। अब समझते हैं कि इसमें चर्चाएं क्या आई। जो एक्ट है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट 1952, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में पहली बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम की, यानी ए जो है ना बी को पैसे दे रहा है, तो बी को पैसे दे रहा है, तो ए बी को पैसे दे रहा है, और
पैसे दो माध्यम से दे रहा है, बी तो अपने पेंशन के लिए पैसा जमा कर ही रहा है, लेकिन ए भी दो माध्यम से दे रहा है। ये ए वाले पे इंपॉर्टेंट रखिएगा। बी को तो चलो भैया जो लगना है लगना है, एक बार सरकार तय कर दी कि हाँ इतना लगाओ, लेकिन ए को समझना है आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर कैसे देगा। देखिए इसके अंदर में दो तरीके से पैसे दे रहा है, एक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी ईपीएफ, और एक है आपका मुझे माफ कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम ईपीएस, और एक है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी ईपीएफ। ये दो माध्यम से इसके अंदर में ए पैसे डाल रहा है। कैसे डाल रहा है ये समझिए, मैं हाईलाइटर ले लेता हूं पहले, तब आपको समझाता हूं। एक तो सरकार ने तय किया कि भैया जो तुम ए को पैसे दोगे ना ईपीएफ उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर में, वो तो तुम 12% दोगे, ठीक। और एम्प्लॉय को भी बोला जो इसका सैलरी मिल रहा है भैया तुम भी 12% दोगे अपने अकाउंट के अंदर में, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर में ए साहब ने 12% दिया और बी साहब ने भी 12% दिया, यानी कुल मिला के 24% तो हमको यहाँ पैसा ठीक ठाक मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है ये समझते हैं कि ये कंबाइंड स्कीम काम कैसे करता है। अगर 12% दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट आपका फंड के हिसाब से काम कर रहा है स्कीम, ठीक है। लेकिन अगर सैलरी मान के चलिए आप जिस बी बंदे को आपने हायर किया है ना उसकी सैलरी 15,000 रुपए, क्या बोल रहा हूं मैं, बी बंदा को कितनी सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए से अधिक मिल रही है, यानी 15,000 रुपए से अगर 1 रुपया भी अधिक मिल रहा है ना, तो इस ए जो 12% दे रहा है ना, फिर भैया वो दो हिस्से में देगा, एक हिस्से में नहीं देगा, अब वो दो हिस्से में देगा। अब ये समझिए दो हिस्से में कैसे देगा, यहां तक कि मैंने बात बता दी कि 12% भर रहा है। इन केस अगर 15,000 रुपए से सैलरी ज्यादा है बी का, तो पहला जो एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है 12%, उसमें 3% वो किसमें देगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर में, और दूसरा में क्या, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के अंदर में 8.33% देगा। अब पुराने वर्ष की अगर हम साथियों बात करते हैं पिछले वर्ष की, तो ये 8.10% था, जिसको सरकार ने इस साल बढ़ा के कितना कर दिया, 8.15%, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां पे चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी। अब हर महीने इसमें पैसे डालता है एम्प्लॉयर कितना, 12%, लेकिन 12% कब डालेगा, किसके अंदर में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर में, याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की स्कीम के अंदर में कब पैसे डालेगा 12%, इन दैट केस जब उसके पास 15,000 की सैलरी से अधिक वाला व्यक्ति नहीं होगा। अगर 15,000 से अधिक वाला सैलरी व्यक्ति दे रहा है तो भैया बी साहब को तो 12% डालना ही डालना है, लेकिन जो ए साहब है यानी जो एम्प्लॉयर है वो दो माध्यम से पैसे डालेगा, दैट इज 3.67% किसमें, ईपीएफ में, और ईपीएस के अंदर में डालेगा 8.33%। ये घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है, ये हर साल चेंज होता है, ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंट, एक बार सरकार ने तय कर दिया तो भैया चेंज होगा ही नहीं, ये चेंज हो सकता है, यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम जो है उसकी जो दर है उसके अंदर में बदलाव सरकार करते रहती है सालाना, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होगी। अब ये समझिए कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम है ना, इसके अंदर में तो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक। अब मान के चलिए कि एक एम्प्लॉय जो आपका बी, जिसको आप बी बंदे ने आपको बी बंदे को आपने हायर किया था ना, ये बी बंदा क्या कर रहा है, आज से 20 साल के बाद रिटायर हो रहा है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 20 साल के बाद रिटायर हो रहा है, तो जितना भी पैसा इन दोनों को क्या होगा, इन दोनों को मिलेगा, वो चीजें लास्ट में किसको मिल जाएगी, बी को। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, अगर बी को पैसा 20 साल तक का जमा है, किसका मिला के, ए, क्योंकि ए ने भी पैसे दिए 12%, बी ने भी पैसे दिए, यानी पूरा पैसा जो हुआ जमा वो पूरा पैसा एक बार में बी को मिल गया रिटायरमेंट के समय, जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ उसी टाइम उसको सारा पैसा मिल गया, इस पर भी ब्याज मिलता है, याद रखिएगा इसी ब्याज के अंदर में सरकार चेंज की है, ये 8.10% आप जो देख रहे हो ना, इसी ब्याज के अंदर में सरकार ने बदलाव किया है, जो पिछले बार कितना था 8.10% और अब कितना है 8.15%। अब इसके ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। यहां से देखिए ये सब चीजें प्रीलिम्स में हो सके पूछ ले कि टैक्स फ्री मिलते हैं क्या, तो टैक्स फ्री है, ये सब चीजें टर्म्स आप बहुत माइन्यूट टर्म्स है लेकिन कंफ्यूजन कर देती है स्टेटमेंट के अंदर में। तो यहां पे चीजें आपको आशा करता हूं क्लियर हो रही होगी।
तो ये बातें मैंने बता दी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम, ठीक है, दूसरा वाला। इसके अंदर में पैसे तो मिलेंगे, लेकिन जब एम्प्लॉयर का एज 58 ईयर से ऊपर हो जाएगा ना, तब यानी मैक्सिमम इस स्कीम में उसको एलिजिबल होने के लिए मैक्सिमम 10 साल जॉब तो करना ही करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर में पैसे तो इक्वली बटे जो भी हो, लेकिन पेंशन के रूप में हर महीना एक इनकम मिलते रहेगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले वाला केस में क्या हुआ, पूरा पैसा मिल गया, ठीक है, लेकिन दूसरे वाला केस में हर महीना कुछ पैसे मिल रहे हैं। जैसे मान के चलिए 1,00,000 रुपए जमा हुआ, तो 12 महीने से उसको फिर डिवाइड किया और जो भी एक महीना का हिसाब निकला, हर महीने उतना उसको देगा एम्प्लॉयर। यानी जो सेकंड वाला है वो पेंशन स्कीम है, और पेंशन क्या होता है, पेंशन वो एक तरह का भुगतान होता है जो सरकार हर महीने दे रही है किसी को, ठीक है। तो यहाँ सरकार नहीं दे रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयर दे रहा है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो गई वो दे रही है, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, भविष्य में जो पैसा मिलना है वो तो भैया बी को मिल गया रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जो पेंशन है, जो पैसा आते भी रहेगा, वो क्या है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के अंदर में आएगा। अब अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 15,000 से अधिक नहीं है तो एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयर है उसको सिर्फ पहले वाले स्कीम से चलना होगा, लेकिन इनकेस अगर उस 15,000 से अधिक व्यक्ति का वो हायर किया है, मतलब 15,000 से अधिक का उसका सैलरी है जिस व्यक्ति उसने हायर किया है, तो भैया उसको दो तरीके से पैसा देना होगा। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर को ज्यादा नुकसान नहीं होता और फायदा भी होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसको भी फायदा होता है। 12% उसका दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बाकी जो आपका जॉब कर रहा है वो तो 12% भरेगा ही भरेगा, चाहे वो स्कीम फर्स्ट में रहे या कंबाइंड में रहे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, जो पूरे तरीके से ये सब चीजों को रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस एक्ट के थ्रू बना है ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952, यानी एक्ट शामिल है ना साथियों। तो ये किस तरह की बॉडी हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किस तरह की बॉडी हुई। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ये इसे रेगुलेट करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है आपका EPFO, और इसकी का एग्जाम होने वाला है रिसेंटली के अंदर में, जो UPSC कंडक्ट कराती है। आशा करता हूं चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इसी इंटरेस्ट रेट में, यानी ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है मैं वापस से बता दे रहा हूं, कि जो पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर में उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी 10 रुपए जमा कर रहे हो और 10 रुपए के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट वाला भैया फायदा यहाँ पे बढ़ाया गया सरकार के द्वारा, उसके अंदर में चेंजिंग किया गया है। ये इंटरेस्ट रेट कौन देती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है, ठीक है, लेकिन अब मैं बता दिया, बट आप कमेंट बॉक्स में चाहते तो लिख सकते थे इसे। तो आशा करता हूं यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, अगर हो गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 दिन अभी क्लासेस नहीं आ पाएंगी, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, इसीलिए आशा करता हूं आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।